मालूम था कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी किसी भी? हाँ, मुझे मालूम था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन अचानक बनेगी मुझे मालूम था, क्योंकि यहाँ मतलब इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का चल रहा था, और शायद एनसीपी भी राहत देख रही होगी कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी तो सरकार नहीं बनती है, तो फिर एनसीपी के लिए मार्ग खुला हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का निर्णय हो चुका है, अजित पवार जी ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है, अभी शरद पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी या सुप्रिया सुले जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, दो मंत्री उनके बन सकते हैं, और शरद पवार के अनुभव का भी उपयोग मोदी सरकार को हो सकता है। तो मैं पवार साहब से अपील करना चाहता हूं कि आप अभी एनडीए में शामिल होने का निर्णय ऑलरेडी हो चुका है, आप एनडीए में आइए और एक अच्छा खासा जो मंत्रालय वो आप संभाले और अपने देश को न्याय देने के लिए काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है।